हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम सेकेंड ईयर का फोर्थ सेमेस्टर का कोर्स डिस्कशन टॉपिक देखने वाले हैं। इसमें सस्पेंशन और इमर्शन दोनों भी है। तो इस वीडियो में हम फर्स्ट इस सस्पेंशन देखने वाले हैं। ओके, सस्पेंशन उसमें क्या क्या देखने वाले हैं। इंटरफेशियल प्रॉपर्टी ऑफ अ सस्पेक्टेड पार्टिकल्स, सेटिंग इन सस्पेंशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ डिफ्लॉकुलेटेड एंड डिफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन। बाद में हम देखने वाले हैं इमर्शन, इमर्शन की थ्योरी, इमर्सिफाइंग रियोलॉजी, प्रॉपर्टी ऑफ इमर्शन एंड स्टेबिलिटी ऑफ अ इमर्शन, प्रिवेंटेशन ऑफ द इमर्शन एंड रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द इमर्शन एंड वो कैसे फॉर्मुलेशन और उसका कुछ HLP मेथड। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि आपको कौन से नोट्स चाहिए फार्मा रिलेटेड। ओके, तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट वन इज द कोर्स डिस्पर्शन। ये कोर्स डिस्पर्शन होता क्या है। इट इज़ अ हेट्रोजीनियस डिस्पर्शन सिस्टम इन विच द साइज डिस्पर्स पार्टिकल रेंज 1 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। देखो, कोर्स डिस्पर्शन मतलब ये हमारा जो फॉर एग्जांपल ये एक कंटेनर है, इसमें सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट है और कुछ लिक्विड भी प्रेजेंट है। तो जो सॉलिड पार्टिकल का जो रेंज है वो कितना होना चाहिए, 1 माइक्रोमीटर टू 1000 माइक्रोमीटर। आप यहाँ पर देख सकते हो सॉलिड पार्टिकल है ये और लिक्विड है। सॉलिड पार्टिकल को हम ही क्या बोलते हैं, कोर्स डिस्पर्शन। ओके, और लिक्विड पार्टिकल को बोलते हैं डिस्पर्शन मीडियम एंड ऑल्सो नोन एज द कंटिन्यूअस फेस। मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल किस में घुल मिल रहे हैं, लिक्विड में। इसको ही जो इसमें घुल मिलता है उसको ही कहते हैं कंटिन्यूअस फेस या डिस्पर्शन मीडियम। और जो पार्टिकल्स है उसकी साइज कितनी चाहिए हमको, 1 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। ठीक है, और ये क्या है, हेट्रोजीनियस डिस्पर्शन सिस्टम है। हेट्रो मतलब लिक्विड है और पार्टिकल है, दोनों भी क्या है, होमो नहीं है, सेम नहीं है, डिफर है, इसलिए वो हेट्रोजीनियस डिस्पर्शन है। ओके, तो आपको कोर्स डिस्पर्शन इन शॉर्ट में पता चल गया होगा। सो सस्पेंशन, सस्पेंशन इज अ फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन इज अ कोर्स डिस्पर्शन इन विच सोल्यूबल इनसोल्यूबल सॉलिड मटेरियल आर डिस्पर्स इन टू द लिक्विड मीडियम। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये हमारा सस्पेंशन है और सस्पेंशन में ये जो पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल कैसे है, इनसोल्यूबल, इनसोल्यूबल पार्टिकल्स आर डिस्पर्स इन टू द लिक्विड। ओके, तो मतलब ऐसे पार्टिकल्स जो कि सोल्यूबल नहीं है, वो शेक वेल बिफोर यूज करने के बाद भी वो पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, डिस्पर्स नहीं हो रहे हैं लिक्विड मीडियम में, उसको ही कहते हैं सस्पेंशन। तो टाइप्स ऑफ सस्पेंशन देखते हैं, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्थाल्मिक सस्पेंशन, एक्सटर्नली अप्लाइड लोशन एंड पैरेंटल सस्पेंशन। अब ओरल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब फॉर एग्जाम्पल हम जो ओरली लेते हैं सीरप वगैरह, वो हो गया ओरल। ऑप्थाल्मिक सस्पेंशन मतलब जो आइज के लिए यूज किया जाता है वो वाले सस्पेंशन। एक्सटर्नली अप्लाई सस्पेंशन फॉर एग्जाम्पल लोशन हो गए जो हमारे एक्सटर्नल स्किन पे हम यूज करते हैं और वो पेनिट्रेट हो जाता है बॉडी में। और पैरेंटल सस्पेंशन मतलब इंट्रामस्कुलर ऐसे इंजेक्शन टाइप जो देते हैं उसको हम क्या कहेंगे, पैरेंटल सस्पेंशन। ओके, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा सस्पेंशन और उसके टाइप्स कौन से होते हैं। तो नेक्स्ट है कोलाइडल सस्पेंशन, पार्टिकल साइज इज स्मॉलर देन 1 माइक्रोन। मतलब जो कोलाइडल सस्पेंशन एक चैप्टर है इंडिविजुअल, उसमें जो पार्टिकल साइज होता है 1 माइक्रोन होता है। और कोर्स सस्पेंशन में पार्टिकल साइज कितना होता है, ग्रेटर देन 1 माइक्रोन। तो आप ये समझ लेना कोर्स और कोलाइडर में खाली पार्टिकल साइज का डिफरेंस है, बाकी कुछ भी नहीं। ओके, तो डिजायर फीचर ऑफ द गुड सस्पेंशन, गुड सस्पेंशन के लिए कौन सी डिजायर फीचर चाहिए। तो अब हम आगे देखने ही वाले हैं क्या क्या होता है सस्पेंशन इमर्शन में, पर अभी ये पॉइंट है तो हम देख लेते हैं कौन से फीचर्स है। द सस्पेक्टेड मॉलिक्यूल शुड नॉट बी सेटल्ड रैपिडली। मतलब जो मॉलिक्यूल्स है, फॉर एग्जांपल ये हमारा कंटेनर है और इसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो इजीली ऐसे हार्ड केक नहीं बनना चाहिए, मतलब ये पूरा सेटल नहीं होना चाहिए, वो एक क्वालिटी होनी चाहिए उसमें। इट शुड बी इजी टू पोर, मतलब
ढक्कन कैप हटाया और इजी टू पुअर कर लिया तो इट शुड बी इजी टू पुअर। प्रिवेंट द केक फॉर्मेशन ऑफ द बॉटम, मतलब मैंने जैसे कहा कि पूरे पार्टिकल्स, फॉर एग्जांपल मिट्टी ले लो, मिट्टी में पानी में घुल जाती है और जब पानी सेटल डाउन हो जाता है तो मिट्टी नीचे क्या करती है, केक फॉर्मेशन करती है। तो हमारे सस्पेंशन में ये नहीं चाहिए कि हम नीचे हम केक फॉर्मेट कर ले, ओके। तो ऐसे प्रिवेंट होना चाहिए केक फॉर्मेशन ऑन द बॉटम। नेक्स्ट है, इट शुड बी स्टेबल इन केस फिजिकल, केमिकल, माइक्रोबियल अटैक। मतलब फिजिकल मतलब ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं कंटेनर के साथ और केमिकल के साथ, और माइक्रोबियल अटैक हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक बॉटल है जो कि सिरप है और ये ढक्कन में कुछ क्रिस्टल का ग्रोथ हो गया अनप्रॉपर, आप देख सकते हैं अनप्रॉपर कैप की वजह से, तो वो माइक्रोबियल अटैक हो गया। तो ऐसे जो चीज़ें हैं वो क्या करनी चाहिए, हमको स्टेबल प्रिवेंट करना चाहिए और हमारा जो सस्पेंशन है वो हमेशा स्टेबल रहना चाहिए। इट शुड बी इजीली फ्लो आउट इन सीरिंज एंड नीडल्स। फॉर एग्जांपल हम पैरेंटल में यूज़ करते हैं, हमने देखा तो पैरेंटल में कैसे हम इंजेक्शन लेते हैं, डॉक्टर जब इंजेक्शन देते हैं तब एक बॉटल में जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो इंजेक्शन में लेते हैं, बाद में इंजेक्शन देके सीरिंज थ्रू हमको दे देते हैं। तो वैसे ही जो छोटा सा जो एम्प्यूल्स रहते हैं उसमें इंजेक्शन क्या होना चाहिए, इजी टू फ्लो होना चाहिए, जो हम सिरिंज में लेते हैं, मतलब वो सॉलिड पार्टिकल्स नहीं रहनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट इज द इंटरफेशियल प्रॉपर्टी ऑफ द सस्पेक्टेड पार्टिकल्स। इन सस्पेंशन द सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स इन अ लिक्विड फेस। मतलब जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो डिस्पर्स होते हैं, घुल मिल जाते हैं लिक्विड फेस के साथ, एंड इंटरफेरेंस इज फॉर्म बिटवीन द टू फेस इन्फ्लुएंस बाय द स्टेबिलिटी ऑफ द सस्पेंशन। देखो जो सस्पेंशन होता है उसमें जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो लिक्विड के साथ क्या होते हैं, घुल मिल जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, टू फेजेस क्रिएट होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑयल होगा ऊपर और नीचे क्या होगा, वाटर। तो ऑयल क्या रहेगा, हमेशा ऊपर रहेगा, वाटर क्या रहेगा, नीचे रहेगा। तो बिटवीन क्या होगा, टू लेयर्स हो गए ना। तो वैसे ही इंटरफेस फॉर्म बिटवीन दी टू फेजेस विच इन्फ्लुएंस द स्टेबिलिटी ऑफ अ सस्पेंशन। और हमको क्या करना है, सस्पेंशन का स्टेबिलिटी इन्फ्लुएंस करना है। अब नेक्स्ट है सरफेस फ्री एनर्जी। तो सरफेस फ्री एनर्जी इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से सुन लेना। इन दिस फॉर्मुलेशन ऑफ अ सस्पेंशन द सॉलिड इज रिड्यू इन फाइन पार्टिकल्स एंड डिस्पर्स इनटू द कंटिन्यूस स्पेस। ये फॉर्मुलेशन ऐसा होता है जिसमें सॉलिड के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स डिस्पर्स फेस या कंटिन्यूस फेस में क्या होते हैं, घुल मिल जाते हैं। मतलब ये हमारा छोटे छोटे पार्टिकल्स है और वे क्या हो गए, लिक्विड में क्या हो गए, डिस्पर्स हो गए, और डिस्पर्स होने के बाद पार्टिकल्स दिखाई नहीं देंगे क्योंकि वो अच्छे से सोल्यूबल हो गए हैं उस डिस्पर्शन में, और एक प्रॉपर हमको स्टेबल इमर्शन या सस्पेंशन मिल जाएगा, ठीक है। द वेरी फाइन पार्टिकल्स इज थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल बिकॉज लार्ज सर्फेस एरिया। देखो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना वो थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल होते हैं। अब आपको पता है वो सरफेस टेंशन क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। छोटे छोटे पार्टिकल्स है सरफेस में अपर में ही बैठ जाएंगे और कितना में घोलेंगे ना तो ऊपर लेयर एक फॉर्म कर लेंगे छोटा छोटा छोटा, तो ये क्या कर लेंगे, सरफेस टेंशन क्या होता है, इंक्रीज होता है छोटे पार्टिकल्स की वजह से, इस वजह से वो थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल होते हैं, ओके। द लार्ज सरफेस एरिया ऑफ द पार्टिकल देन एक्सेस ऑफ द सर्फेस फ्री एनर्जी पार्टिकल बिकम हाईली एनर्जेटिक एंड स्टेंड्स टू एग्रीगेटेड इटसेल्फ फ्रॉम द केक। मतलब जब लार्ज सर्फेस एरिया पार्टिकल कवर कर लेता है तब क्या होता है, सर्फेस फ्री एनर्जी एक्सेस होती है और वो पार्टिकल्स क्या कहते हैं, पार्टिकल के पास बहुत हाई एनर्जेटिक फॉर्म में वो पार्टिकल्स रहते हैं और वो एग्रीगेट्स होते हैं। मतलब क्या होते हैं, एग्रीगेट्स का मतलब समझ लेना, ये छोटा पार्टिकल, ये छोटा पार्टिकल, एक तो ये सारे बाइंड हो जाते हैं और एक बड़ा पार्टिकल फॉर्म करते हैं। मतलब ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल बड़े बड़े पार्टिकल के साथ एग्रीगेशन कर लेते हैं उस, और बाद में क्या होता है, एक केक फॉर्म होता है, एक ऐसे स्टोन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। आप समझ लो फॉर एग्जांपल मिट्टी है और मिट्टी पानी में जाएगी तो पहले तो वो घुल मिल जाएगी अच्छे से, पर जब वो वाटर स्टेबल हो जाएगा तो नीचे नीचे मिट्टी आएगी और आने के बाद वो क्या करेगी, सारे पार्टिकल्स एक मजबूत हो जाएंगे और एक केक फॉर्म कर लेंगे। मतलब ऊपर पानी हो जाएगा और नीचे मिट्टी हो जाएंगी, तो यही है सरफेस फ्री एनर्जी में। तो इक्वेशन हम देख लेते हैं, डेल्टा जी
और ये इक्वेशन है, तो इसका मतलब क्या है, सरफेस फ्री एनर्जी इसका इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन द सॉलिड एंड लिक्विड, मतलब जो ये इंटरफेशियल टेंशन जो है बिटवीन द सॉलिड एंड लिक्विड में वो वाला, और टोटल सरफेस एरिया मतलब पार्टिकल्स ने कितना टोटल सरफेस एरिया कवर कर लिया है वो वाला। सो फ्लॉकुलेटेड पार्टिकल्स आर वीक बॉन्ड, सेटल रैपिडली बट डू नॉट फॉर्म द केक, मतलब जो फ्लॉकुलेटेड पार्टिकल्स होते हैं, अब डीफ्लॉकुलेटेड और फ्लॉकुलेटेड कॉन्सेप्ट भी देख लेना, फ्लॉकुलेटेड मतलब ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स, ओके ये क्या हो गए फ्लॉकुलेटेड, तो फ्लॉकुलेटेड में क्या होता है छोटे पार्टिकल्स होते हैं तो वीक बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड होता है, और वो क्या करते हैं हमने ऐसा शेक वेल कर लिया, फॉर एग्जांपल ये एक सिरप है, ये क्या कर लिया हमने ऐसा शेक वेल कर लिया, तो छोटे पार्टिकल्स होंगे तो इजीली क्या होंगे ऐसे हिल जाएंगे, मतलब क्या होंगे केक फॉर्मेशन नीचे नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास क्या है वीक बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है, ओके। तो फ्लॉकुलेटेड पार्टिकल्स विच हैव वीक बॉन्ड सेटल रैपिडली बट डू नॉट फॉर्म द केक। सो अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक डबल लेयर, ओके। सो फॉर एग्जाम्पल ये एक सस्पेंशन है और इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स है, ओके। तो पार्टिकल्स में हमने नेगेटिव आयन से जनरेट कर दिया, तो नेगेटिव आयन क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट द पॉजिटिव मॉलिक्यूल, ओके। तो नेगेटिव क्या करेगा, पॉजिटिव उसके अराउंड पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, ओके, एक लेयर फॉर्म हो जाएगा। बाद में पॉजिटिव चार्ज अगेन क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो अगेन ये नेगेटिव चार्ज की एक चेन फॉर्म हो गई, फिर से नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो ऐसे अपोजिट पोल अट्रैक्शन इसमें होगा। तो ये क्या है, नेगेटिव चार्ज जो सेकंड लेयर होती है उसको ही हम कहते हैं स्टर्न लेयर, ओके, जो कि पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर टू लेयर्स का फॉर्मेशन हुआ है, उसको ही कहते हैं डिफ्यूजन लेयर, और इसमें क्या होता है इलेक्ट्रिक सिग्नल इलेक्ट्रिक लेयर का फॉर्मेशन होता है, ओके। सो यह इसे देख के क्या लगता है कि ये एक फ्लॉकुलेटेड सिस्टम है, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं फ्लॉकुलेटेड हो रहे हैं, इसको ही हम क्या कहेंगे फ्लॉकुलेटेड सिस्टम भी कहेंगे। सो दिस आयोनिक स्पेसिस प्रेजेंट इन द सोल्यूशन गेट एब्सॉर्ब एट द सर्फेस एंड ड्यू टू द आयोनाइजेशन चेंजेस ऑफ द सर्फेस मे अराइजेस एंड दिस प्रोड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, मतलब ये सब चार्ज फॉर्म होके क्या फॉर्मेशन होगा, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का फॉर्मेशन होगा। When the surface changes is negative, there will be layer of tightly bond solvent molecule which is the layer. मतलब आपने देखा negative फिर positive, negative positive, मतलब क्या हो गया एक flocculated system यहाँ पर हो गई, bonds क्या है tightly solvent molecule में टाइट हो गए, तो इसको क्या कहेंगे फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन। तो हम अब डिफरेंस देख लेते हैं फ्लॉकुलेटेड और डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन में क्या होगा, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई, ओके, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई इट मींस हाई सेडिमेंटेशन रेट, इट हैज हाई स्टेबल, ओके, एंड डीफ्लॉकुलेटेड रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज लो, डज नॉट फॉर्म द हार्ड केक, मतलब हमने शेक वेल बिफोर यूज ऐसे हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन, मतलब पार्टिकल्स, फॉर एग्जांपल ये एक सस्पेंशन है तो नीचे क्या है पार्टिकल्स होंगे, तो हमने ऐसे शेक व्हील किया तो पार्टिकल्स इजीली क्या होंगे डिस्पर्स होंगे इसमें, तो डज नॉट फॉर्म द हार्ड केक, इट फॉर्म्स द हार्ड केक, मतलब नीचे सब छोटे 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 पार्टिकल आके यहाँ पर एक केक फॉर्म करेंगे, ओके, इजीली रीडिस्पर्स, मतलब शेक वेल करने के बाद वो पार्टिकल इजीली रीडिस्पर्ड हो जाएंगे। डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन में क्या होता है पार्टिकल्स डू नॉट फॉर्म इजीली, आई मीन डू नॉट इजीली रीडिस्पर्स्ड, ओके, इट इज मोर इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन, इट हैज लो इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन, तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फ्लॉकुलेटेड एंड डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन, ओके। तो आगे कुछ बेसिक ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी कर्व ऑफ द पार्टिकल इंटरैक्शन, तो ये पार्टिकल है, पार्टिकल ऊपर से यहाँ पर नीचे जा रहा है, मतलब यहाँ पर है क्या है डाउनवर्ड, मतलब डीफ्लॉकुलेटेड है, और रीडिस्पर्स करके वो पार्टिकल छोटे छोटे पार्ट्स में ऊपर जाएगा, तो ये फ्लॉकुलेटेड है, एनर्जी कर्व इज फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन, मतलब ऊपर और नीचे आ रहा है, मतलब
एनर्जी कर्व इज डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन। और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है, एनर्जी इंटरैक्शन हो रहा है, और रिपल्शन कर्व और अट्रैक्शन कर्व, मतलब पार्टिकल जब अट्रैक्ट होते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, हार्ड केक फॉर्म करते हैं। इस वजह से क्या होगा, डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन, बिकॉज इट हैज़ मेक अ पर्टिकुलर हार्ड केक। एंड नेक्स्ट क्या है, रिपल्शन कर्व। रिपल्शन कर्व में क्या होगा, इजिली रिडिस्पर्स हो जाएंगे पार्टिकल, इस वजह से वो कर्व कैसा जा रहा है, ऊपर जा रहा है, इट मीन्स एनर्जी कर्व फॉर फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन। वही बेसिक कंसेप्ट है, खाली फॉर्म एक ग्राफ फॉर्म में बताया गया है, तो आप ये अच्छे से कर लेना। यहाँ पर पार्टिकल है, यहाँ पर भी छोटे पार्टिकल्स हैं, यहाँ से नीचे आने के बाद शेक वेल करने के बाद डाउनवर्ड कर और कुछ ऊपर जाता है, मतलब फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन। तो अब आपने देख लिया इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मतलब यहाँ पर एनर्जी इंटरैक्शन कम है और यहाँ पर ज़्यादा है, तो एनर्जी का इंटरैक्शन कम होगा, मतलब पार्टिकल कम जुड़ेंगे और ज़्यादा बड़े बड़े जुड़ेंगे, इसका मतलब यहाँ पर डीफ्लॉकुलेटेड हो गया। और यहाँ पर पार्टिकल का इंटरैक्शन ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर ईजिली डिस्पर्स हो जाएगा, तो वही बेसिक फिनोमेना यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेटलिंग ऑफ दी सस्पेंशन। तो सेटलिंग ऑफ दी सस्पेंशन, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हो टू कंटेनर्स है, यहाँ पर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो स्टेबल हो, फॉर एग्जांपल इसको शेक नहीं किया, ऐसे ही छोड़ दिया स्टेबल, तो क्या होगा, पार्टिकल धीरे 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 नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद नीचे क्यों आते हैं, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से जो पार्टिकल होते हैं वो नीचे आते हैं, और नीचे आने के बाद क्या फॉर्म होगा, एक हार्ड केक फॉर्म होगा। मतलब क्या, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ सेटलिंग। मतलब रेट ऑफ सेडिमेंटेशन क्या है, रेट मतलब जो पार्टिकल स्टेबल फॉर्म में होते हैं वो कौन से स्पीड से नीचे आ रहे हैं, उसको ही कहते हैं रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। ओके, सो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन में पार्टिकल्स नीचे आते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, आफ्टर दैट इट फॉर्म्स द हार्ड केक। तो कंसेप्ट देख लेते हैं, ऑल्सो नोन एज द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, बिकॉज सेटलिंग ऑफ द सस्पेंशन डिपेंड अपॉन अ सेडिमेंटेशन रेट। जो स्पीड है इसका पार्टिकल नीचे आने का, सेडिमेंटेशन रेट उसको ही कहते हैं, और उसको ही क्या कहते हैं, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। द सेटलिंग डाउन ऑफ द सस्पेक्टेड पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन एट बॉटम इज नोन एज सेटलिंग ऑफ द सस्पेंशन। मतलब जो पार्टिकल सस्पेक्टेड है इस बॉटम में या इस बीकर में, वो जिस स्पीड से नीचे आ रहे हैं उसको क्या कहेंगे हम, सेटलिंग ऑफ द सस्पेंशन और सेडिमेंटेशन। तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इंक्रीज होगा, मतलब पार्टिकल नीचे जा रहे हैं उसका स्पीड इंक्रीज होगा, तो रेट ऑफ सेटलिंग भी इंक्रीज होंगी। मतलब देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, पार्टिकल्स धीरे धीरे नीचे आ रहे, फॉर एग्जाम्पल वो जल्दी नीचे आ रहे हैं, मतलब उसका क्या बढ़ गया, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन बढ़ गया, और नीचे सेटल हो रहे हैं, पार्टिकल जल्दी नीचे आ रहे हैं इसलिए वजह से वो नीचे सेटल हो रहे हैं, उसको ही हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ सेटलिंग। व्हेन रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इंक्रीजेस, आफ्टर दैट रेट ऑफ सेटलिंग ऑल्सो इंक्रीजेस। सो देर आर मोर रेट ऑफ सेडिमेंटेशन फास्टर, द पार्टिकल सेटल डाउन एंड फास्टर द फॉर्मेशन ऑफ द केक। मतलब सेडिमेंटेशन रेट फास्टर होगा, पार्टिकल्स इजीली सेटल डाउन हो जाएंगे, तो क्या फॉर्मेशन होगा, केक का फॉर्मेशन होगा। अब हम इसका इक्वेशन भी देख लेते हैं। तो अब हम देखते हैं रेट ऑफ सेटलिंग सस्पेक्टेड पार्टिकल इक्वेशन। तो उसमें एक लॉ है, उसको ही कहते हैं स्टोक्स लॉ। तो सस्पेंशन के लिए कौन सा लॉ यूज़ किया जाता है, स्टोक्स लॉ। ओके, तो स्टोक्स लॉ किस पे डिपेंड है, विस्कोसिटी पे डिपेंड है। तो आप याद रख लेना, जितने ज़्यादा विस्कस पार्टिकल इसमें प्रेजेंट होंगे, विस्कोसिटी मतलब क्या कि थिकनेस, ओके, रेजिस्टेंस ऑफ द फ्लो। तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस पार्टिकल इसमें होंगे, थिक पार्टिकल होंगे, उतने ही ज़्यादा वो क्या करेंगे, केक का फॉर्मेशन करेंगे। विस्कोसिटी इंक्रीज होगी तभी केक का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। तो v इज इक्वल टू डी स्क्वेयर इन द ब्रैकेट रो एस रो जीरो अपॉन जी अपॉन 18n। तो क्या है v का मतलब है रेट ऑफ द सेडिमेंटेशन, डी स्क्वेयर मतलब डायमीटर ऑफ द पार्टिकल, रो जीरो इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द सस्पेक्टेड पार्टिकल, रो एस डेंसिटी ऑफ द सॉल्वेंट। ओके, एंड जी इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी, एम इज द विस्कोसिटी ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम। तो ये सिंपल इक्वेशन है, याद रख लेना।
v is equal to d square rho s minus rho 0 in the bracket बाहर है जी अपॉन 18n, तो 18n इज द कांस्टेंट. ओके, विस्कोसिटी ऑफ अ मीडियम इंक्रीजेस यूजिंग बाय द विस्कोसिटी इंक्रीजिंग एजेंट. विस्कोसिटी जब पर्टिकुलर मीडियम में इंक्रीज हो जाती है तो क्यों हो जाती है, क्योंकि हम विस्कोसिटी इंक्रीजिंग एजेंट यूज करते हैं. तो कौन से वो विस्कोसिटी इंक्रीजिंग एजेंट है, HPMC, मिथाइल सेलुलोज, एकेशिया एंड ट्रैगाकान, दिस आर दी विस्कोसिटी इंक्रीजिंग एजेंट. ओके, स्टोक्स लॉ इज वैलिड फॉर सस्पेंशन दैट कंसिस्ट ऑफ द नॉट मोर देन 2% ऑफ द सॉलिड, मतलब 2% से ज़्यादा सॉलिड नहीं होना चाहिए तभी वैलिड होता है सस्पेंशन के लिए स्टोक्स लॉ. ओके, सो नेक्स्ट सब टॉपिक है फॉर्मुलेशन ऑफ द सस्पेंशन. तो फॉर्मुलेशन में 3 kinds ऑफ फॉर्मुलेशन यूज किए हैं, वेटिंग एजेंट, सेकेंड वन इज द कंट्रोल फ्लॉकुलेशन एंड थर्ड वन इज द स्ट्रक्चर वेहिकल. तो आपने देखा कि वेटिंग एजेंट कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, वेटिंग आप याद रख लेना. फॉर एग्जांपल ये सस्पेंशन है, सस्पेंशन में हमने वेटिंग एजेंट ऐड कर दिया. वेटिंग एजेंट ऐड करने के बाद वो क्या करेगा, सरफेस फ्री एनर्जी है, हमने देखा सरफेस फ्री एनर्जी एनर्जी को क्या करेगा, वो रिड्यूस करेगा और सस्पेंशन क्या करेगा, स्टेपल करेगा. तो ये तीनों जो एजेंट है वो क्यों यूज़ करते हैं, कि सस्पेंशन को स्टेबल बनाने के लिए यूज़ करते हैं. ओके, तो इसमें ये ऐड करने के बाद वेटिंग एजेंट सस्पेंशन में सरफेस फ्री एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी और हमारा जो सस्पेंशन है वो स्टेबल हो जाएगा. सो थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं. वी नो द लेस द पार्टिकल साइज लेस द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन. पार्टिकल साइज कम होगी तो सेडिमेंटेशन नीचे धीरे धीरे आएगा और उसका क्या कम हो जाएगा, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन डिक्रीज हो जाएगा. बट पार्टिकल साइज लीड टू द मोर सर्फेस एनर्जी डैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द लम्फ. ओके, विच इज नॉट स्टेबल कंडीशन इन सस्पेंशन. सो बताना क्या चाहते हैं वो, वी ऐड द वेटिंग एजेंट, हमने सस्पेंशन में वेटिंग एजेंट ऐड करने के बाद क्या करता है, वो रिड्यूस द सर्फेस फ्री एनर्जी एंड मेक अ सस्पेंशन स्टेबल. ओके, मतलब हार्ड केक फॉर्म नहीं होंगे, फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन होगा, शेक वेल बिफोर यूज करने के बाद वो इजीली रिडिस्पर्स हो जाएगा और सस्पेंशन स्टेबल हो जाएगा, इसलिए हम वेटिंग एजेंट को ऐड करते हैं. सो नेक्स्ट है कंट्रोल फ्लॉकुलेशन, मतलब जो फ्लॉक्स क्रिएट हो रहे हैं उसका हार्ड केक फॉर्मुलेशन नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑप्टेन बाय द एडिंग फ्लॉकुलेटिंग एजेंट, फ्लॉकुलेटिंग एजेंट को ऐड करते हैं, उसकी वजह से हार्ड केक का फॉर्मेशन नहीं होता है. फर्स्ट वन इज द इलेक्ट्रोलाइट, सेकेंड वन इज द सर्फैक्टेंट, थर्ड वन इज द पॉलीमर. सो दिस 3 सब्सटेंस आर यूजिंग फॉर द कंट्रोल फ्लॉकुलेशन. ओके, सो फ्लॉक्स आर यूजफुल बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म द हार्ड केक एंड इजिली रिडिस्पर्स. आपको पता है फ्लॉकुलेशन में क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और ये पार्टिकल्स क्या है, यूजफुल है बिकॉज ये हार्ड केक का फॉर्मेशन नहीं करते और हमने जो शेक कर लिया बॉटल तो इजिली रिडिस्पर्स हो जाते हैं. ओके, तो क्यों हो जाते हैं, किसमें, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोलाइट, सर्फैक्टेंट एंड पॉलीमर यूज किए जाते हैं. नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट. तो इलेक्ट्रोलाइट दे एक्ट एज अ फ्लॉकुलेटिंग एजेंट. इलेक्ट्रोलाइट क्या एक्ट करता है, फ्लॉकुलेटिंग एजेंट ऐड कर देता है. फॉर एग्जाम्पल बिस्मथ सबनाइट्रेट इन वाटर, वाटर में क्या है, बिस्मथ सबनाइट्रेट है, यह इसका एग्जाम्पल है. व्हेन वी ऐड इलेक्ट्रोलाइट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस डेवलप. हमने देखा जब हमने इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो चुका था. सो पार्टिकल दे रिपेल टू ईच अदर हेंस मेक सस्पेंशन स्टेबल. इसकी वजह से क्या हुआ, सस्पेंशन को स्टेबिलिटी फॉर्म हो गई. इफ दे ओके सो इफ दे सम हाउ मेक द फ्लॉक्यूल्स दे विल बी इजिली गेट इजिली रिडिस्पर्स, मतलब फ्लॉक्यूल्स का फॉर्मेशन होने के बाद सस्पेंशन में इजिली रिडिस्पर्स हो जाते हैं. वी विल टेक अ इलेक्ट्रोलाइट इन सच वे दैट विल बी अपोजिट चार्ज फॉर द सॉल्वेंट. मतलब जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होता है तब फ्लॉक्यूल्स का फॉर्मुलेशन होता है. बट पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसमें क्या होगा, कुछ भी बॉन्ड नहीं होगा और वो क्या होंगे, इजीली रिडिस्पर्स हो जाएंगे. तो इस वजह से इलेक्ट्रोलाइट हम यूज़ करते हैं.
Next is the structural vehicle. In this method we increase the viscosity of dispersion medium. मतलब क्या करते हैं हम ये structural vehicle add करके suspension और dispersion medium का increase करते हैं, viscosity increase करते हैं, उसका thickness increase करते हैं. So that the particle lightweighted does not sediment early in the suspension and remain dispersed. मतलब इस वजह से क्या होता है वो particles क्या होते हैं light weighted हो जाते हैं और वो क्या करते हैं sedimentation easily form नहीं करते हैं, इस वजह से वो इजिली रिडिस्पर्स शेक वेल करने के बाद इजिली रिडिस्पर्स हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक बीकर है, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स है, इसमें हमने स्ट्रक्चरल व्हीकल ऐड कर लिया. ओके, स्ट्रक्चरल व्हीकल ऐड करने के बाद क्या होगा कि वो थोड़ा सा ठीक, पूरा ही सस्पेंशन ठीक हो जाएगा, इसमें विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएंगी और विस्कोसिटी इंक्रीज होने के बाद वो क्या करेगा, नॉर्मल होगा. फॉर एग्जाम्पल मिट्टी का घोल होगा तो वो मिट्टी नीचे आ जाएंगे, पर पूरा ही थिक फॉर्म में होगा तो इजीली वो क्या करेंगे, हार्ड फॉर्म में नहीं आएंगे. इस वजह से हम क्या यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चरल व्हीकल यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एकेशिया, टाटा कैन, ये सारे स्ट्रक्चरल व्हीकल हम यूज करते हैं. ओके गाइस, तो हमने क्या देख लिया, फर्स्ट वन इज द सस्पेंशन देख लिया, सस्पेंशन के टाइप्स, उसके गुड डिजायर फीचर्स फॉर द सस्पेंशन. नेक्स्ट वन इज द इंटरफेशियल प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल्स, सरफेस फ्री एनर्जी. सरफेस फ्री एनर्जी के बाद हमने देख लिया, इक्वेशन देख लिया सरफेस फ्री एनर्जी का. उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल डबल लेयर. उसके बाद फ्लॉक्युलेटेड एंटी फ्लॉक्युलेटेड सस्पेंशन का डिफरेंस और इसका ग्राफ देख लिया. बाद में सेटलिंग ऑफ द सस्पेंशन कैसे सेटल होते हैं, उसमें स्टोक्स लॉ यूज किया जाता है वो देख लिया. बाद में फॉर्मुलेशन ऑफ द सस्पेंशन, कौन से फॉर्मुलेशन यूज़ किए जाते हैं, वेटिंग एजेंट, कंट्रोल फ्लॉक्युलेशन एंड स्ट्रक्चर व्हीकल, तो इसमें इन डिटेल थोड़ा थोड़ा देख लिया और क्या इंफॉर्मेशन देख ली. सो होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो अदर वीडियो के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया दीजिए. थैंक यू सो मच.